Today's lecture, we will discuss about thermodynamic probability of Fermi-Dirac statistics. Okay. Before starting the Fermi-Dirac statistics, ठीक है, हम क्या करेंगे? Thermodynamic probability का formula discuss करेंगे कि ये कहाँ से आया है और ये बना कैसे, ठीक है? Next lecture में हम देखेंगे कि Fermi-Dirac statistics क्या है, इसका क्या use है और ये किस लिए applicable. ठीक है, यहाँ हम टू पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं कि जो Fermi-Dirac स्टेटिस्टिक्स है, ये तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि क्वांटम में एप्लीकेबल होता है. तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं एंड इनडिस्टिंग्विशेबल है, जबकि जो हमारा मैक्सवेल था उसमें डिस्टिंग्विशेबल थी, मतलब देखने पर डिफरेंस हम बता सकते थे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सेकेंड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में हम बोलते हैं कि वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इन पर. यहाँ हम बोलते हैं कि ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को. इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम क्वांटम नंबर. ठीक है, इसका मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन लग गई पार्टिकल्स पर. रेस्ट्रिक्शन क्या हुई कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है. सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें वेरियस एनर्जी लेवल्स हैं, ई नोट, ई वन, ई टू, अप टू हमारा लास्ट कर लिया मैंने ER. ठीक है, अब एनर्जी लेवल्स में क्या होंगी? डीजनरेट स्टेट्स होंगी, मैंने जिसको G से डिनोट कर दिया. ठीक है, ये इसी तरह है जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम शेल्स में फिल करते हैं, जैसे S, P, D, F शेल्स. जैसे कि P शेल की बात करूँ तो मैं वो फर्थर डीजनरेट हो जाता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्यों बोलते हैं हम इनको? क्योंकि इनकी सेम एनर्जी होती है. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? डीजेनरेट सब शेल्स. ठीक है, या डीजेनरेट एनर्जी लेवल, शेल को हम एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं. ठीक है, एनर्जी लेवल जो कौन देता है हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो ऐसे ही पार्टिकल्स को Fermi-Dirac स्टेटिस्टिक में हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स को फिल करना है वेरियस एनर्जी लेवल्स में, जिसको मैंने ई से डिनोट किया है. ठीक है, और जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें क्या होंगी? डी जनरेट एनर्जी स्टेट, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और अपना जी से भी. मैंने यहाँ जी से डिनोट किया, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो, सपोज मेरे पास टोटल एन पार्टिकल्स है. कितने पार्टिकल्स हैं? एन. अब इन एन पार्टिकल्स को मैंने अपने एनर्जी लेवल्स में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हम जानते हैं कि एक एनर्जी लेवल को एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है. तो अब इसमें ई नोट में, ई वन में, ई टू, ई थ्री नंबर ऑफ फेज देखिए, वो तो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, हमें पता है एक ही ऑक्यूपाई कर सकता है. तो हम कौन से वेज देखेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन देखेंगे जो इस एनर्जी स्टेट को फिल करने के हैं? ठीक है, देखो, मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया अपना मैथ का, कॉम्बिनेशन वाला. एन आई, जी आई को सिलेक्ट करना है मैंने एन आई से. ठीक है, यहाँ आई कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट वाले की बात कर सकती हूँ मैं, जीरोथ वाले की बात कर सकती हूँ. मैंने यहाँ आई ले लिया जनरल. ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा? जी आई का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई का फैक्टोरियल, जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल. इसको आप रिमेम्बर होगा आपको, एन सी आर, एन होता है टोटल. ठीक है, टोटल जी आई है. ठीक है, आज जो हमें चूज करना होता है, इसमें हमें पार्टिकल चूज करना है. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, दोनों का माइनस का फैक्टोरियल. मैंने यहाँ यही यूज किया अपना. ठीक है, सबकी बात करेंगे, ये एक का हुआ, एक में फिल करने का. ठीक है, ऐसे दूसरे का करेंगे तो हमारे पास, मान लो फर्स्ट का हमारे पास ये आ गया, एन नोट का फैक्टोरियल, जी नोट माइनस एन नोट का फैक्टोरियल, इंटू सेकेंड का, इंटू थर्ड का, इंटू ऐसे आर एच तक कर देंगे. ठीक है, जब हमारे पास जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री, यू कैन से एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री होते हैं, तो हम सिंबल यूज करते हैं समीशन का. ऐसे जब प्रोडक्ट में होते हैं तो हम सिंबल यूज करते हैं पाई का. तो पाई का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, जीरो से वन तक, जीरो से आर तक, सॉरी. ठीक है,
अगर यहाँ मेरा 1 से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ 1 से लेती हूँ, ये लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जी आई का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन आई का फैक्टोरियल, जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल, ये हमारा आ गया थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं जो है ओमेगा से भी डिनोट कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने फॉर्मूला लिखा वो ठीक भी है या नहीं, ओके। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास तीन पार्टिकल्स हैं, सपोज आई हैव थ्री पार्टिकल्स एंड फोर एनर्जी स्टेट, इसको हम ब्रेन के थ्रू सोल्व करके देखते हैं। मेरे पास चार एनर्जी स्टेट्स हैं, फर्स्ट फर्स्ट डेट सेकंड वन थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये मेरे पास एनर्जी स्टेट है जी वन जी टू जी थ्री एंड जी फोर। टोटल पार्टिकल्स तीन हैं, पार्टिकल्स क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब तीनों सेम है। सपोज मेरा फर्स्ट पार्टिकल इसमें चला गया, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, ये खाली रह गया, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है पार्टिकल्स को डालने का, इसमें चला गया, इसमें चला गया पार्टिकल, इसमें चला गया इसमें। अब आप बोलेंगे दूसरा पार्टिकल इसमें क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, याद रखना, ठीक है। अब थर्ड है कि पार्टिकल इसमें चला गया, ठीक है, इसको खाली रख दिया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, इसमें इसको खाली छोड़ दें, इन तीनों में चला जाए, उसके अलावा तो कोई नहीं बनेगा, यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए, टोटल नंबर ऑफ वेज पार्टिकल्स को अरेंज करने के कितने आए, चार। अब हम देखते हैं अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ हमारे एक की बात कर रहे हैं तो हम अपना ये वाला लगाएंगे, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, जब कई एनर्जी सिस्टम्स होते हैं तब लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं जी आई, जी आई क्या होता है, एनर्जी स्टेट कितनी थी, फोर। फोर का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन का फैक्टोरियल, वन का फैक्टोरियल वन होता है, ठीक है। एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स थ्री, थ्री इंटू टू इंटू वन, जी आई माइनस एन आई, फोर माइनस थ्री वन, तो वन ही आएगा, ठीक है, थ्री थ्री टू टू। तो हमारे फॉर्मूले से भी अरेंज करने के कितने आए, फोर, और हमने जब वैसे किया तो भी हमारे फोर आए, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है हमारा, राइट, ठीक है। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, थैंक यू।